अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर कुछ चिक्स हैं मेरे पास। सबसे पहले जो आपको बता दूं सेल के लिए, अगर कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो उनको लेने में तो वो कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से ये मेरे नहीं एक दोस्त के हैं बहरहाल, ये पड़े हैं बहरहाल। उसके अलावा जो मेरे पास जो चिक्स अवेलेबल हैं इस वक्त वो प्लायमाउथ बैरेट के हैं। एक चिक इसमें लाइट सुसेक्स का है, बाकी सारे के सारे प्लायमाउथ बैरेट के चिक्स पड़े हुए हैं। और अगर किसी भी भाई को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट करें, प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करें मुझे। 300 रुपीज़ पर चिक है। अगर कोई क्वांटिटी में लेगा इंशाल्लाह तो मैं उसको फिर रेट एडजस्ट कर दूंगा। पर ये जो चिक हैं सारे के सारे ये फ़िलहाल सेल के लिए अवेलेबल हैं। बैरेट है इसके अंदर मेजॉरिटी, और ऑस्ट्रेलिया पारी यार इसमें फ़िलहाल नहीं है। ब्रह्मा का चिक है इसके अंदर, आप देख सकते हैं डार्क ब्रह्मा का चिक पड़ा हुआ है। 1000 रुपीज़ का पड़ेगा आपको ये। और उसके अलावा मेरे पास बैरेट के चिक ज़्यादा हैं इसमें। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर हैं, इसमें भी थोड़े प्लायमाउथ बैरेट के चिक्स पड़े हुए हैं। कोई भी अगर चाहे तो उसको मुनासिब रेट पे हम इनको एडजस्ट कर लेंगे सारे के सारे। लेकिन डिपेंड है कि यार आपकी क्वांटिटी का डिपेंड करता है, तो अगर किसी को बड़े साइज़ के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। लाइट सुसेक से वो फ़िलहाल मैं नहीं सेल आउट कर रहा, उनमें एक दो इशूज़ लग रहे हैं मुझे तो उनको फ़िलहाल हमने डिले कर दिया। बट उसके अलावा प्लायमाउथ बैरेट के पड़े हुए हैं। तो बाकी अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ यार फार्म की क्या सिचुएशन है आजकल हमारे कुछ यहाँ पे, लेकिन चीज़ों को प्लान चल रहा है। एक मिनट अब सही है। तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ों को लेकर प्लान चल रहा है। बहुत जल्द आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, दुआ करें बाकी के अल्लाह खैर करे। उसके अलावा कुछ ऑस्ट्रोलॉप के मेल्स अवेलेबल हैं, मैं आपको बाहर से इसलिए दिखा रहा हूँ कि हैं तकरीबन 70-80 के करीब में। अगर किसी को चाहिए हो तो 600 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मैं उसको दे दूँगा। खाने के भी काम आ सकते हैं, और कोई शौकिया रखना चाह रहा है मिश्री के साथ तो वो भी रख सकता है। पर अच्छी क्वालिटी के मेल हैं। अगर आपको वीडियो संदादा हो रहा हो तो ये देख सकते हैं आप, मेल की क्वालिटी अच्छी है, कोई मसला नहीं है। कोई अगर कहेगा कि उसको इसमें सबसे अच्छा चाहिए छांट के उठाना चाह रहा है तो वही हम एडजस्ट कर लेंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। पर ये आपको 600 रुपये पर केजी पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या है मेरे पास, यानी इन क्वांटिटी इनकी अच्छी खासी है। बट अभी अंदर पड़े हैं तो इस वजह से आपको मैं दिखा नहीं पा रहा, मुझे वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। और ये उनके लिए एक छोटा सा हमने ओपन रेंज टाइप का एक सेटिंग बनाई है कि थोड़ी सी आउटिंग होती रहे। इनके अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बाहर थे, आप अंदर चले गए, इनको पता लग गया शायद मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो यार कंप्लीट। अगर कोई अपने बर्ड्स को बाहर निकालना चाह रहा है, उसके पास इस तरह का शेड या इस तरह की स्पेस है तो इस तरह की सेटिंग बेस्ट है। कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर। इसका आपको डाया बताऊं तो तकरीबन 70 फीट इसकी, 70 तो नहीं, तकरीबन 70 इसकी विद है। और इसकी जो चौड़ाई है इस तरह से इसकी विद है, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो 70 फीट है, हाइट इसकी तकरीबन 7 फीट है, और इसकी जो इस तरह विद है वो तकरीबन 22 फीट है। तो अच्छी खासी जगह है। और इसमें जो मेरी टोटल कॉस्ट आई वो आई तकरीबन 4000 रुपये की। मैंने नेट ली थी, फिश नेट बहुत सस्ती मिल जाती है अगर आप कराची से, तो आपको खड्डा मार्केट जाना पड़ेगा। खड्डा मार्केट में बहुत सारी जगह पे ये फिश नेट अलग अलग रेट्स में अवेलेबल है। मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी की ली थी और मेरे पास एक्स्ट्रा भी बची हुई है। तो बहरहाल 4000 रुपये की पड़ी थी, अगर हम इसमें लगाएं तो इसमें शायद 3500 की लग गई हो। बांस लिए थे मैंने, 30 रुपये का एक बांस पड़ा था, और इस तरीके से मैंने बांस से इसकी सेटिंग करके इसको बाहर निकाल दिया। बर्ड्स निकलते हैं बाहर काफ़ी देर तक धूप में बैठे रहते हैं और फिर अपने हिसाब से अंदर चले जाते हैं। इससे इनका फ़ायदा ये कि इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे इस बर्ड को आप देखें फुल ये देना तपती धूप के अंदर पड़ा हुआ है, और सिर्फ धूप सेकने के लिए, क्योंकि जैसे बात है धूप से विटामिन डी मिलता है, टांगे मजबूत होती हैं, बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी होती है। और बर्ड के आपको देखें फैदर्स के अंदर एक शाइन अलग ही आई हुई होती है, जो पता ही लगता है कि ये ऑस्ट्रेलॉप ही है। बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा ये सुस्त हो रहा है, तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हल्का सा पत्थर लगा, इसके लगा तो नहीं है लेकिन ये फ़ौरन से डर के उड़ गया। अब बर्ड की कभी भी हेल्थ देखना चाहो ना तो उसके कुछ ही पॉइंट्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसमें नहीं किस अलग ब्यूटी में बता देता हूँ, इसमें बेसिक समझा देता हूँ बस। सबसे पहले आप बर्ड की कलगी का कलर देखो, जैसे इसकी कलगी जो है फुल रेड है, और जैसे फीकी कलगी होती है किसी की
वाइटिश कलर आ रहा होता है तो वो अच्छा वो नहीं है सिम्टम कि अगर वाइट कलर आ रहा है तो आप सॉरी जूम ख़राब हो गया कुछ ज़्यादा ही, अगर वाइट कलर कलगी में फीकापन है, रेडिश इतनी अच्छी नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करो, उसको बट को ना लो। क्योंकि रीज़न ये होता है, दो वजह होती है, एक तो एक अच्छी वो नहीं होती उसकी सर्कुलेशन ब्लड की अच्छी नहीं होती जिस वजह से उसका कलगी का कलर कम रेड होता है, और कुछ कई दफ़ा डिजीज़ होती हैं तो भी ब्लड प्रेशर बट का लो होता है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो ऑटोमेटिकली कलगी का कलर डाउन हो जाता है या विटामिन की कमी की वजह से। तो बहरहाल कोशिश करो कि आप जब भी लो तो उसका जो ताज होता है बेसिकली, जिसे हम ताज कहते हैं, वो जो है वो हो जाए रेड हो। तो बस यार ये वीडियो इतनी सी थी, मेरा मोबाइल का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं शाम में किसी दिन वीडियो बनाऊंगा डिटेल के अंदर, अभी धूप हो रही है तो मोबाइल हीटअप हो रहा है, पता लगे वीडियो बीच में ऑफ ना हो जाए, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ये मेरे पास पड़े हैं, तकरीबन 100 के करीब मेल अंदर हैं सारे के सारे, जब बाहर निकलेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें कुछ क्रॉस बर्ड्स भी हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि इसके अंदर आपको कलगी का कलर देखना है सबसे पहले, उसके बाद आपने देखना है कि उसकी नाक से कोई नज़ला वज़ला तो नहीं आ रहा, आप दबा के चेक कर सकते हो उसको, अगर नज़ला हुआ आपकी उंगली पे, अब जब उसके नथने दबाओगे दोनों हाथों से आपकी उंगली पे कुछ आया तो आप समझ लो कि इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, या फिर नॉर्मली वेदर के हिसाब से भी नज़ला हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि नज़ले की नौयत क्या, अगर ताज का कलर सही है और नज़ला है तो फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो तो एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, पर आप इस तरीके से आप बट की हेल्थ को मेजर कर सकते हो। बाकी इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आप चेक करेगा, और उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जो टाइम के हिसाब से लगा मुझे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लग रही है गंदम, और वो वहाँ तक लग रही है, जो लैंड ऑनर है वो यहाँ की लगा रहा है गंदम, देखते हैं अब इंशाल्लाह हरा भरा हो जाएगी जगह। ये रहा हमारा शेड, तो अब कंप्लीट की कंप्लीट जगह गंदम लग जाएगी तो इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि बस। तो उम्मीद है कि जब तक हम भी जिंदा रहें, हम भी यहीं पर रहें और ये गंदम भी हरी भरी निकले। अल्लाह हाफिज़।